हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं वो एक मल्टी सेक्टर में काम करने वाला शेयर है। कंपनी के नाम की अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम है इसका डुकान इंफ्रा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और ये जो कंपनी है ये मल्टी सेक्टर में काम करती है। ये कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है, आईटी सेक्टर में काम करती है, और इसी के साथ साथ जो है ये ग्रीन एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सभी सेक्टर्स में भी ये कंपनी जो है अपना अलख आजमा रही है, अपना यहाँ पे हुनर आजमा रही है, और अच्छे से ये कंपनी काम करते हुए भी नज़र आ रही है। और इसी के साथ साथ जो है एडवांस सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करती है आईटी सेक्टर में। और अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की वेबसाइट पे, कंपनी क्लियरली मैंने बता रही है कि वो आईटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। और इसी के साथ साथ एडटेक सेक्टर में अभी ये कंपनी जो है नई नई यहाँ पे एंट्री ले रही है। और इसी के लिए कंपनी ने जो है अपनी यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग भी सेल करके एडटेक सेक्टर के अंदर कुछ नए नए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिया हुआ है, और उसके लिए नए से काम करना शुरू किया हुआ है। तो कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी काम करती है अच्छे से इंडिया में, के साथ साथ इसका जो है फॉरेन फॉरेन बेस्ड में भी बहुत अच्छा ही यहाँ पे इसका बिजनेस चलता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए। और अगर आप शेयर मार्केट के साथ साथ यूट्यूब से भी पैसे कमाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से पेड मोनेटाइजेशन सर्विस ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको वॉच टाइम, सब्सक्राइबर और व्यूज़ तीनों के तीनों मिल जाएंगे, और पूरी तरह से ऑर्गेनिक और नॉन ड्रॉप रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंपनी के बारे में और इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेफ है या नहीं है, और कब तक मतलब कैसा रिटर्न मिल सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे कंपनी का नाम देख सकते हैं, दुकान इंफ्रा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और करंट मार्केट प्राइस 9 रुपीज़ 40 पैसा। और आज के दिन यहाँ पे जो है थोड़ी सी हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है हमें। और ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का फाउंडेशन जो हुआ था वो 2019 में हुआ था फाउंड। और ये जो कंपनी है वैरायटी ऑफ बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है इंडिया की वन ऑफ दी बेस्ट जो है एफजीडी सिस्टम वाले ऑपरेट करने वाली कंपनी है। एफजीडी का मतलब जो है, एफजीडी सिस्टम का मतलब होता है फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन। और ये जो कंपनी है इससे काम करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, और यूएसए नेम है इस कंपनी का फ़िलहाल ये जो चल रहा है, और यूएसए बेस्ड ही कंपनी है और इंडिया से ही ऑपरेट कर रही है, और बेहतरीन कंपनियों में से है इंडिया के। और इसी के साथ साथ ये जो है पेनी स्टॉक भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट कैप इसका 244 करोड़ का है, करंट मार्केट प्राइस 9 रुपीज़ 40 पैसा, 52 वीक हाई 31 रुपीज़ का है, 52 वीक लोन अभी जो आज के डेट में चल रहा है वही समझ लीजिए 9 रुपीज़ 10 पैसा है, और यही आपके पास बेस्ट ऑप्शन है बाइंग पोजिशन के लिए। स्टॉक पी की अगर हम बात करें 43 निकल के आ रहा है, बुक वैल्यू 5 रुपीज़ 84 पैसा है इसका, और बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट डबल के आसपास ही है शेयर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है कंपनी, आरओसी आरओई फेयर इनफ है और पॉजिटिव में है। और इसी के साथ साथ फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़ की है। अगर इस कंपनी के पास कुछ शानदार बातें हैं निकल के आ रही हैं तो वो है इसकी प्रमोटर होल्डिंग, यहाँ पे 62% की यहाँ पे जो है प्रमोटर होल्डिंग निकल के आ रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी के पास एक शानदार जो है यहाँ पे यहाँ पे डेप्थ की अगर हम बात करें तो डेप्थ इसके पास 94 करोड़ रुपीज़ का है, लेकिन उसी के अपोज में शानदार यहाँ पे 126 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे जो है रिज़र्व देखने को मिल रहा है हमें। डेप्ट टू इक्विटी की अगर हम बात करें तो डेप्ट टू इक्विटी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.61% की डेप्ट टू इक्विटी निकल के आ रही है। और इंडस्ट्री पी भी यहाँ पे 30 का है, और बहुत ही शानदार ये शेयर है, फंडामेंटल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक है। आप ऐसे शेयर में जो है पैसा इन्वेस्टमेंट करके कुछ वक्त के लिए छोड़ सकते हैं। और अभी शेयर में जो है वीडियो बनाने का एक खास रीज़न ये है कि कंपनी की जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले कंपनी का जो है ट्रेंड यहाँ पे डाउन साइड में ही चलता हुआ जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे जो है कंपनी में बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की वॉल्यूम में दिखाई दे रही है, यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं शेयर में। तो आने वाले वक्त में ये शेयर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अपर साइड ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी ने इसके प्रोज को यहाँ पे निगेटिव पॉइंट्स में ही डाल दिया है। कंपनी जो है अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दे रही है, फिर भी डिविडेंड नहीं दे रही है, इसकी वजह से इसे ये कोई खास मतलब नहीं है। और प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे एक मेजर बात है कि प्रमोटर होल्डिंग 11% से कम हुई है, और वो इसलिए हुई है कि कंपनी जो है एडटेक सेक्टर में अपना लक आजमा रही है, और एडटेक सेक्टर के जो नए नए क्लाइंट बेस है उसे बना रही है, और इसी के साथ साथ एडटेक सेक्टर के लिए जो जो ज़रूरी होता है वो सभी के लिए वो सभी कुछ काम कर रही है। तो इसका कंपटीशन की अगर हम बात करें, कंपटीशन इसका निकल के आ रहा है टाटा, एलेक्सी, एम्फेसिस, एलएन टेक्नोलॉजी, एलएनटी, और इसी के बहुत बड़े बड़े मतलब जो दिग्गज कंपनियां हैं उन सभी के साथ ही कंपनी टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। और इसके अगर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की बात करेंगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट में शानदार यहाँ परफॉर्मेंस दिया हुआ है कंपनी ने, और इस क्वार्टर भी मतलब झंडे गाड़ दिए हैं कंपनी ने। यहाँ पे कंपनी के अंदर कोई भी मतलब बात ही नहीं है कि निगेटिव बात है, ये कंपनी की ये बात ख़राब है हम ऐसा सोच सके बोल सके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है, ओपीएम भी पिछले बारी से इस बार मतलब अच्छी खासी पोजिशन से बढ़ गया है,
इन ईयर ऑन ईयर बेसिस, सॉरी प्रॉफिट टैक्स बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे जो है बेहतरीन तरीके का साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो जितना अवेलेबल है अगर उसके हिसाब से ही बात करेंगे तो यहाँ पे जो इसका डेटा निकल के आ रहा है वो बहुत ही शानदार है। और एक एडटेक सेक्टर की इतनी छोटी कंपनी के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 384 करोड़ का बिजनेस करना बहुत ही बड़ी बात है। ये जितने भी नंबर्स हैं सभी के सभी जो है करोड़्स में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21 करोड़ रुपीज़ का है और OPM भी यहाँ पे जो है 5% का निकल के आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इसी के साथ साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे जो है शानदार है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR सब कुछ यहाँ पे जो है इसके शानदार हैं। आप ये शेयर में अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक अच्छा खासा ऐसा रिटर्न जो है देखने को मिल सकता है। यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अभी तक एक्टिव थे लेकिन अभी मतलब कुछ क्वार्टर से यहाँ से जो है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को हटा लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी हमेशा मतलब इन्वेस्टर्स ने अपना कुछ तो कुछ मतलब एक एक्सपेरिमेंटल टाइप किया हुआ है। पहले 55% थी, फिर उन्होंने 70 यहाँ पे आप देख सकते हैं 55 से उन्होंने 70% तक की हिस्सेदारी बना ली और उसके बाद उसे कंसोलिडेशन पीरियड करके 74% का कर दिया। और 74 से बाद में जब ये एडटेक सेक्टर का जब नया वाला जब आ रहा था बिजनेस तो इसकी वजह से उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कम करके 62% पे ला के खड़ा कर दिया है। और अभी भी मतलब ओवर 50% है तो कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना पैसा और यहाँ से जो है एक अच्छा रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।